यार दोस्तों ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, और करनाल में देख सकते हैं एसीबी की टीम द्वारा जो नीलो खेड़ी इंचार्ज है उन्हें गिरफ्तार किया गया है 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। फिलहाल देख सकते हैं जो टीमें हैं उन्हें लेकर यहां पर ज़रूर पहुंची हैं। ये इस गाड़ी के अंदर जो इंचार्ज हैं वो जिसकी ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, और उन्हें अब यहाँ से एसीबी के ऑफिस जो है वो लेकर आया जा रहा है, जिसकी ये लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन करूँगा इस वीडियो को देखने वाला, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। देखिए किस तरह से जो इंचार्ज हैं वो अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जो इंचार्ज हैं उन्हें अंदर लेकर गए हैं, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार जो है वो किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप एंटी करप्शन ब्यूरो के कार्यालय। फिलहाल आपने देखा किस तरह से अभी मुंह छुपाकर अंदर जाते हुए गाड़ी से, काले शीशे वाली गाड़ी अभी आपने देखी जो एसीबी की थी, और उसमें से उतरते किस तरह से अंदर भागते हुए गए वो आपको मैंने अभी लाइव तस्वीरों में दिखाया। और 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जो नीलो खेड़ी चौकी इंचार्ज हैं संजय कुमार, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और फिलहाल अब पूछताछ जो है वो की जाएगी। फिलहाल आप देख पा रहे हैं जो तस्वीरें जो एसीबी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं, और फिलहाल जल्द पूछताछ कर वो खुलासा किया जाएगा। हालांकि जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं, एक लड़ाई झगड़े का मामला, जैसा कि मैंने आपको बताया, और लड़ाई झगड़े के मामले में गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी कि गिरफ्तारी कर देंगे आपको, नहीं तो आप आके हमें मिलिए, और उसके बाद इनकी सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट में 1,00,000 रुपये से बात शुरू होकर 80,000 रुपये में बात फाइनल हो जाती है। किस तरह से भ्रष्टाचारी जो है डिपार्टमेंट में चलती हुई नजर आ रही थी नीलो खेड़ी चौकी में। और फिलहाल आज एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है, उन्होंने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया 80,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए। और कितने ऐसे पैसे लिए होंगे ये जाँच का विषय है, ये जाँच जो है पुलिस द्वारा की जाएगी। आप सभी से निवेदन है, अगर आप भी किसी से ऐसे अधिकारी से प्रताड़ित हैं तो आपको हम विजिलेंस कार्यालय सेक्टर 7 के अंदर 2206 सेक्टर 7 जो इनका नंबर है, आपको मैं नंबर भी दे देता हूं 90529992 999 ये नंबर है, और इस नंबर पर भी आप संपर्क कर शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। अगर आप किसी से प्रताड़ित हैं जो आपसे रिश्वत मांग रहा है, आप उन्हें ज़रूर इसी तरह से पकड़वा सकते हैं। आप सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। नाल के नीलो खेड़ी इंचार्ज जिसकी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, संजय कुमार इनका नाम है, और फिलहाल बताया जा रहा है कि इन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार क्यों किया गया है, फिलहाल आप देख पा रहे हैं तस्वीरें जो एंटी करप्शन ब्यूरो के कार्यालय के बाहर इस समय हम मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि एक लुधियाना की पार्टी की FIR दर्ज थी नीलो खेड़ी में, और उन्हें लगातार फ़ोन जा रहे थे कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद जो है उन्हें कहा जाता है कि आप अगर बचना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन जो है वो करना पड़ेगा। भ्रष्टाचारी जो है वो वहाँ पर चल रही थी, और सेटलमेंट 80,000 रुपये में हो जाती है। जब आज वहाँ से लुधियाना से 80,000 रुपये जब नीलो खेड़ी में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर एसीबी की टीम जो है वो पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जो है वो मौके पर पहुँचकर रंगे हाथों पकड़ लेती है। फिलहाल आपको जो मिली जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ, एक लड़ाई झगड़े का मामला जो है वो चल रहा था, लुधियाने की पार्टी थी, लुधियाने की पार्टी को फ़ोन जाते हैं नीलो खेड़ी चौकी से, और उन्हें कहा जाता है कि आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर इस तरह से आपको भी फोन आएगा तो आप भी जरूर एक बार घबरा जाएंगे और जरूर सेटलमेंट करने की बात करेंगे। इसी तरह से जो नीलो खेड़ी इंचार्ज है उनके साथ सेटलमेंट की बात की गई, 1,00,000 से बात शुरू होती है, 80,000 रुपए में बात जो है वो फाइनल हो जाती है। जब 80,000 रुपए लेकर वहां पर पहुंचते हैं तो एंटी करप्शन जो ब्यूरो की टीम है वहां पर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। फिलहाल अब कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, और फिलहाल अभी कितने रिकवर हुए हैं कितने नहीं वो जानकारी आपको जरूर देंगे, और इससे पहले भी क्या पैसे लिए गए थे या नहीं वो भी फिलहाल वो जांच का विषय है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जो है वो उस चीज की जांच जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेगी। आप सभी से निवेदन है, आपको मैं फिर से वो तस्वीर दिखा देता हूं एक बार, संजय कुमार जो फिलहाल नीलो खेड़ी चौकी इंचार्ज थे, जिसकी ये तस्वीर आप फिर से देख लीजिए। ये देखिए, ये संजय कुमार हैं और नीलो खेड़ी चौकी इंचार्ज हैं, और किस तरह से जो 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आज एंटी करप्शन ब्यूरो की टीमों द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल गिरफ्तारी जो है वो बताई जा रही है नीलो खेड़ी से हुई है, और फिलहाल अब एंटी करप्शन ब्यूरो के जो कार्यालय हैं वहां पर इन्हें जल्द लाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। जी सर, क्या मामला है सर? एक
कोई 21/23 मुकदमा था, कोई झगड़े का मुकाबला था कोई मुकदमा, तो उसकी वजह से मैं बार बार ये उसको दबाव दे रहा था शिकायतकर्ता को, भाई तेरी बहन को अंदर दे दूंगा, तेरे भाई को अंदर दे दूंगा, तेरे फादर को अंदर दे दूंगा। तो उसके अवैज में 1,00,000 रुपये की डिमांड की थी और 80,000 रुपये में सेटिंग हुई। आज 80,000 रुपये में इसको रेड एंड डिट कर दिया। कौन है सर ये संजय है। संजय कहाँ का है? चौकी इंचार्ज मिलो खेड़ी। नहीं जो शिकायतकर्ता का नाम नहीं बता पाएंगे हम आपको, अच्छा गुप्त रखा जाएगा। ये यहीं का है या बाहर? नहीं लुधियाना का है। लुधियाना। सर पूरी स्टोरी क्या है? पूरी स्टोरी थोड़ा। पूरी स्टोरी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे ही होगी तो आपको सारा करके बताएंगे। 80,000 बरामद कर लिया। 80,000 में रेड एंड हिट किया इसको। 1,00,000 पहले भी ले चुके हैं। हाँ अभी तफ्तीश है, देखते हैं अब आगे तफ्तीश में क्या आता है निकल के। ये मुकदमा इन दोनों का था लेकिन इसमें बहन का इसके बाप का नाम जोड़ा है डिस्क्लोजर में इन्होंने, फादर का तो डिस्क्लोजर, हाँ और बहन का और उसके भाई का नाम दबाव पा रहा था, उसका भी नाम डिस्क्लोजर में दूंगा मैं। शिकायतकर्ता कहाँ से थे? लुधियाना से। तो आगे की सर अभी क्या फिलहाल? आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे आगे कुछ निकल के आएगा तो बताएंगे। तो अभी गिरफ्तार कर लिया? जी करनाल लेके गए। करनाल ACB। थैंक यू जी।